वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं किंग चार्ल्स ने अभी यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है हर साल COP28, इस दफा 28वीं है जो कि इस वक्त दुबई के अंदर चल रही है, वहां पर जो ओपनिंग रिमार्क्स इन्होंने दिए हैं। ओपनिंग रिमार्क्स का मतलब ये है कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली होती है किसी बड़ी हस्ती को सामने लाया जाता है और वो बताता है कि ये हमारी कॉन्फ्रेंस, हम क्यों इधर इकट्ठे हुए हैं, क्या हम करने वाले हैं, आगे प्लान्स क्या हैं। अब अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं जिसमें इन्होंने साफ साफ क्या बातें कही हैं जो कि अगले 7 साल को इफेक्ट करने वाली हैं और हमारे अगले 7 साल अच्छे होने वाले बिल्कुल नहीं हैं। इसके लिए हमें मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना है क्योंकि इन्होंने साफ साफ बातें कह दी हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉप का मतलब क्या होता है। कॉप का मतलब है जी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये वो ममालिक हैं, पूरी दुनिया की नेशंस है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस करवाती है क्लाइमेट के ऊपर कि मौसमी तब्दीली आ रही है जी, हमें एक्शन लेने की जरूरत है, हमें ग्रेट रीसेट करने की जरूरत है। इस तरह की बातें जो की जाती हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में फैसले लिए जाते हैं कि इस साल और अगले आने वाले सालों में हमने क्या एक्शंस लेने हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको वो क्लिप दिखाऊं, मैं आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं किंग चार्ल्स का, ताकि आप समझ सकें कि ये बातें ये शख्स क्यों कर रहा है। क्योंकि बहुत से लोग इसको क्रिश्चियन समझते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि बरतानिया जो है वो एक क्रिश्चियन नेशन है और वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की जो बादशाहत है वो क्रिश्चियंस हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। दे आर नॉट क्रिश्चियंस। मैंने ओवर द टाइम बार बार मैंने आपको वीडियोज़ बना बनाकर बताया इनको एक्सपोज करके कि कैसे इनकी मोनार्की जो है वो लीड करती है उन्हीं यहूदियों को जो कि खुद को यहूदी कहते हैं पर हैं नहीं बल्कि की जमात के हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, यहां पर आपको 3 शख्स नजर आ रहे हैं। यहां पीछे ये जो है ये वो कल्लू है हमारा, क्लॉस श्वाब, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 1992 की मीटिंग है जिसमें आपको प्रिंस ऑफ वेल्स, इसको प्रिंस ऑफ वेल्स का टाइटल दिया गया था जब ये प्रिंस था। इस वक्त तो ये किंग चार्ल्स बन चुका है, लेकिन जब ये किंग नहीं था उस वक्त आप देख सकते कि 1992 से ये एनुअल मीटिंग, हर साल जो मीटिंग होती थी उसमें ये शामिल होता था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए ही ये शख्स काम करता है, यानी कि ये लोग मिलके, ये जो एलीट्स हैं ये एक ग्रेट रीसेट लेके आना चाह रहे हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये था कि किंग चार्ल्स भी वही सब कुछ बिलीव करता है जो कि क्लॉस श्वाब बिलीव करता है, यानी कि यू विल ओन नथिंग एंड बी हैप्पी, आपको गुलाम बनाने वाली वो सारी माइंड प्रोग्रामिंग जो कि ये सारे एजेंडाज लेकर चल रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर। अब हालिया जो गुजरी बीमारी है उसमें क्लॉस श्वाब ने कहा था, द पेंडेमिक रिप्रेजेंट्स अ रेयर बट नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, री इमेजिन एंड रीसेट आवर वर्ल्ड। यानी कि ये जो हालिया गुजरी बीमारी है वो भी इन्हीं का प्लान था जिसकी वजह से ये ग्रेट रीसेट कर सकें। मजीद मैं आपको बता दूं कि किंग चार्ल्स कहीं से भी क्रिश्चियन नहीं है, कहीं से भी मसीही नहीं है। इसने इस बात को क्लियर किया यहां पर, ऑलमोस्ट 30 years ago, 30 साल पहले चार्ल्स ट्रिगर्ड अ फ्यूरर व्हेन ही सजेस्टेड ही वुड बी डिफेंडर ऑफ फेथ इन जनरल रादर देन डिफेंडर ऑफ द फेथ। अब ये डिफेंडर ऑफ द फेथ का मैं आपको बता दूं, जब ये ओथ लेते हैं तो ये ओथ ये लेते हैं कि हम मसीहत का डिफेंड करेंगे, जहां जहां पर भी मसीही होंगे हम उनको डिफेंड करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, और इन्होंने कसम खानी होती है कि जब तक हम तख्त पर रहेंगे हम अपने ईमान का दफा करेंगे, यानी कि सिर्फ मसीहत का। लेकिन इसने क्या कहा जी, आई वुड बी रादर क्या, डिफेंडर ऑफ फेथ। अब डिफेंडर ऑफ फेथ सुन के लोगों को लगेगा कि यार अच्छी बात है, सारे जो फेथ है जितने भी उनके डिफेंड करेगा, हार्मनी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा वो बातें करता है जो कि कलाम के खिलाफ हैं, ये हमेशा उनका साथ देता है जो कि खुदा की तरफ नहीं है। तो यहां से साफ साफ पता चलता है कि जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, जो कुछ भी खुदा के कलाम में लिखा है, ये उसके अगेंस्ट है। अब ग्रेट रीसेट के बारे में अभी हालिया गुजरी बीमारी में जो अल्फाज अदा किए थे किंग चार्ल्स ने वो आप जरा सुने। Again, in a greener and more sustainable and more inclusive way, then we will end up having more and more pandemics and more and more disasters. यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो COP28 मीटिंग हो रही है दुबई के अंदर वो यूनाइटेड नेशंस की है, और यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो डेडलाइन है वो 2030 है, यानी कि अगले 7 साल। और यहां पर भी ये शख्स ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, लिमिटेड टाइम है, और हमें जल्दी से क्या करना है, इस पेंडेमिक को इस्तेमाल करना है एज ए अपॉर्चुनिटी, और जो डिजास्टर्स आने वाले हैं आगे उनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। आप सुनने जरा। Ever accelerating global warming and climate change. So this is the one moment, as you've all been saying, when we have to make as much progress as we can.
अब मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने जरा गौर से सुनना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। Some important progress has been made, but it worries me greatly that we remain so dreadfully far off track, as the global stocktake report demonstrates so graphically. The dangers are no longer distant risks. I've seen across the Commonwealth and beyond countless communities which are unable to withstand repeated shocks, whose lives and livelihoods are laid waste by climate change. Surely real action is required to stem the growing toll of its most vulnerable victims. As I've tried to say on many occasions, unless we rapidly repair and restore nature's unique economy. आपने देखा, वो कह रहा है रैपिडली। रैपिडली का मतलब है बहुत ही तेजी से। Based on harmony and balance, which is our ultimate sustainer, our own economy and survivability will be imperiled. We are carrying out a vast, frightening experiment of changing every ecological. आप देख रहे हैं, वो कह रहा है कि हम ऐसे खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट्स इस वक्त कर रहे हैं जो कि तेजी से हमारे इकोलॉजिकल, जो ग्लोबल हमारा जो प्लैनेट है उसके ऊपर जो मौसमी है तब्दीली, उसको रोकने के लिए हम ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इस वक्त, ताकि हम चेंज कर सके क्लाइमेट चेंज को। All at once, at a pace that far outstrips nature's ability to cope. After all, ladies and gentlemen, in 2050, our grandchildren won't be asking what we said. They will be living with the consequences of what we did or didn't do. So if we act together to safeguard our precious planet, the welfare of all our people will surely follow. And we need to remember too that the indigenous world. आपको एक चीज याद रखनी है कि इस दुनिया का सस्टेनर आदमी नहीं है, इंसान इस जमीन को सस्टेन किए हुए नहीं है, खुदा इस जमीन को सस्टेन करता है और उसने जो सिस्टम बनाया है वो हजारों साल से चल रहा है और मेरे ख्याल से वो इंसान से बहुत ज्यादा अक्ल रखने वाला और बहुत ज्यादा विजडम रखने वाला है। और इंसान को खुदा बनने की जरूरत नहीं है कि हम जी क्लाइमेट को सही करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये सब का सब टोटल कंट्रोल हासिल करने के लिए सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं, हर एक चीज जो कि जमीन के ऊपर है उसके ऊपर ये टोटल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को कि भाई बहुत मौसमी तब्दीली आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। इतने हजारों साल से डिफरेंट साइकिल्स आए हैं, जमीन ने सर्वाइव किया और आगे भी जमीन सर्वाइव करेगी। इसी तरह से जैसे इंसान इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं, खुदा ने एक इकोसिस्टम बना के रखा हुआ है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ये सारा सिस्टम जो खुदा ने बना के रखा है ये हजारों सालों से सस्टेन हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं ताकि इनके एजेंडास के ऊपर कौमें काम करें। teaches us that we are all connected, not only as human beings, but with all living things and all that sustains life. As part of this grand and sacred system, harmony with nature must be maintained. The earth does not belong to us. We belong to the earth. ये वो मेन चीज है। The earth does not belong to us. We belong to the earth. ये इसने totally खुदा के कलाम के खिलाफ बात की है। इसका कहना है कि जमीन हमारे लिए नहीं है, हम जमीन के लिए हैं। ये बात क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको खुदा के कलाम में से दिखाना चाहता हूँ कि इसने किस कलाम की वर्स के खिलाफ बात की है। खुदा ने कहा, लेट अस मेक मैन इन आर इमेज आफ्टर आर लाइकनेस एंड लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी एंड ओवर द बर्ड्स ऑफ द हेवंस एंड ओवर द लाइव स्टॉक एंड ओवर ऑल द अर्थ एंड ओवर एवरी क्रीपिंग थिंग दैट क्रीप्स ऑन द अर्थ। यानी कि जमीन के ऊपर हर एक चीज जो है वो इंसान को दी गई है कि इंसान उसका मुख्तार बने। यानी कि जमीन इंसान को दी गई है, जमीन के ऊपर मौजूद एक एक चीज खुदा ने इंसान को दी है। लेकिन यहां पर किंग चार्ल्स क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी
अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, तो फिर होर किनू एलियन नू बिलोंग कर दी। इतने हजारों साल से इस जमीन के ऊपर इंसान ही डोमिनियन रखे हुए हैं, कोई और रेस आई नहीं है, कोई एलियन नहीं आया, कोई भी ऐसी नई मखलूक नहीं आई है जिसने जमीन के ऊपर टेक ओवर किया हो या डोमिनियन हासिल की हो। क्यों? क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया, और खुदा का कलाम यही कहता है कि इंसान को खुदा ने जमीन दी है। लेकिन यहां पर यह शख्स खुदा के कलाम के खिलाफ बात कर रहा है और कह रहा है कि जमीन हमारे लिए नहीं है, हम जमीन के लिए। इसका क्या मतलब है? हम जमीन के लिए का मतलब यह है कि ये एवोल्यूशन के ऊपर बिलीव करता है कि जैसे बिग बैंग हुआ, उसके बाद जमीन खुद ही बन गई बगैर पर्पस के, बगैर कोई गाइडेंस के, खुद ही चीजें बनती गई और इंसान पहले बंदर था। इनकी अटर नॉनसेंस के लिए खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1:20 से मैं आगे आपके लिए तलावत करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़्र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया, वो अपने आप को दना जता कर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अबद तक महमूद है। आमीन। खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज आई, जिनके पास समझ आई, उन्होंने खुदा को जान भी लिया, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं कि वो क्रिएशन को खुदा का दर्जा देते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी हिफाजत करने की बातें करते हैं, लेकिन जो क्रिएटर है, जो हमारा मालिक है, जिसने हमें क्रिएट किया है, उसकी ताजीम और उसकी तमजीद उस तरह से नहीं करते जिस तरह से करनी चाहिए। इसी वास्ते खुदा ने उनको छोड़ दिया है ताकि वो गंदी हरकतों में पड़ जाएं, और आपके सामने हैं ऐसे लोग, ज्यादातर आपको हम जिन्स परस्त ही नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पर अर्थ की बात की जा रही है, जमीन की परस्तिश करने की बात की जा रही है, ये वही मदर अर्थ की वर्शिप की बात की जा रही है जिसे पोप ने वेटिकन के अंदर पूरा रिचुअल करके की थी। आप जरा ये क्लिप देखें। This is the same pope who participated in the worship of Mother Earth, a pagan fertility goddess. In 2019, Pope Francis publicly celebrated Pachamama, the Amazon goddess. 2019 में पोप ने एक रिचुअल जो है, जो कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग, जो कि प्रेग्नेंट एक गॉडेस है जिसको मदर अर्थ भी कहा जाता है, इसको पूरा रिचुअल करके वेटिकन के अंदर सेलिब्रेट किया था। ये एक डिमोनिक एंटिटी है जिसको चर्च के अंदर ना सिर्फ वेलकम किया गया बल्कि प्रॉपर रिचुअल किया गया। और ये वही डिमोनिक एंटिटी है जिसका ताल्लुक मिस्र से है, जिसका ताल्लुक नमरूद से है, जो नमरूद की बीवी थी, जो इश्तार थी, जो खुद को कहती थी कि मैं हमेशा कमवारी हूं। ये उसी के बारे में बात हो रही है क्योंकि उसने अपने ही बेटे के साथ शादी की थी ये कहकर कि मैं हमेशा कमवारी हूं, और ये नमरूद का अवतार है। मैजिक रिचुअल किया गया। It's also known as Mother Earth. Some say Pachamama is the fertility goddess who married her son. Since the beginning of the synod, this figure of a pregnant woman caused much debate. For many indigenous, it represents the Mother Earth of the Amazon. She grows the fruits of the synod in favor of minorities from Amazonian countries. For others, it represents the Mother of Jesus. तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ongoing एक एजेंडा चल रहा है कि किसी तरह से खुदा से हटा के लोगों को क्रिएशन की वर्शिप शुरू करवाई जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोग इंसान को भी खुदा माने। तो जब ये चीज़ें आम हो जाएंगी तो फिर आप देखेंगे कि मुखालफ मसीह जब सामने आएगा तो लोग उसको भी खुदा कहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कैसे खुदा की डेफिनेशन जो है उसको तब्दील कर रहे हैं ताकि हर वो चीज़ जो इख्तियार रखती है, हर वो चीज़ जो प्रोवाइड करती है, उसको खुदा कहा जाए, जबकि खुदा की सिफात इससे कहीं ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस दुनिया के रूलर्स, इस दुनिया के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने बाय चॉइस उस ही फर्टिलिटी गॉडेस
जो कि इश्तार है उसके साथ हरामकारी की और उसके साथ मिलके ये क्या कर रहे हैं, यही सब कुछ जो है मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने उसके साथ हरामकारी की और ताकतवर बन गए, हुक्मरान बन गए, बादशाह बन गए, पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहा। लेकिन आखिर में क्या होता है कि इनका जो बनाया हुआ बाबुल का बुर्ज होगा वो गिरा दिया जाएगा। जब यीशु मसीह वापस आएंगे सारी इनकी सल्तनत जो है वो मिट्टी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अगले 7 साल के लिए मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, अगले 7 साल बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ के अंदर अपने कानून को ठोसना ही ठोसना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2030 तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर लगाना है। ये काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि रैपिडली तेज़ी से जो है इसको कम्प्लीट किया जाए। लेकिन अजीजों हमारे लिए उम्मीद की बात यह है कि यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। जब मुखालफ मसीह की बादशाहत आएगी तो ज़मीन पर सिर्फ 7 साल उसको दिए गए हैं, उसके बाद यीशु मसीह ने वापस आ जाना है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है, यीशु मसीह की आमद बहुत करीब आ चुकी है, हमें अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और जो लोग सेव्ड नहीं हैं उनको चाहिए कि वो खुदा को जानें और नए सिरे से पैदा हों ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किए जाएँ।